वेलकम बैक टू प्रीति की उड़ान। तो जी मौसम है तो आज नज़ारे ला रही है, आज कोई बारिश नहीं है और आज हम घुमाएंगे आपको पालमपुर। तो अभी निकले हैं क्योंकि दो दिन से लगातार बारिशें हो रही थी और कहीं घूम नहीं पा रहे थे, तो आज सोचा कि मौसम भी अच्छा है क्यों ना आज आपको पालमपुर घुमाया जाए। तो आज आपको अच्छे से दिखाते हैं पालमपुर और आपको हम मिलाते हैं अपनी आंटी से। आंटी हेलो बोल दो, बोलो हेलो हेलो। तो ये है हमारे आंटी यहाँ, मतलब हमारे किराएदार है। कौन है? अरे हमारे घर के पास। तो अभी अच्छा हम चलते हैं ना, मिलते हैं पालमपुर, घूम के आते हैं। तो अभी हम आपको घुमाते हैं पालमपुर और कुछ दिखाते हैं अच्छे अच्छे नज़ारे। वैसे तो हिमाचल में तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, बट पालमपुर ये देखने की जगह है। तो निकल पड़े हम पालमपुर की तरफ और मैं मिला रही हूँ आपको मिस्टर डोगरा से। हाय एवरीवन। तो अभी हम निकल रहे हैं और अब हम घूमेंगे पूरा पालमपुर। पूरा पालमपुर कवर करना बहुत मुश्किल है, पर हाँ हम कुछ कुछ जगह घूम के आएंगे और जो कि पालमपुर में फेमस है। तो उनमें से कुछ है टी गार्डन, क्योंकि पालमपुर फेमस है टी गार्डन के लिए, ये चाय के लिए बहुत मशहूर है। तो हम यहाँ पर टी गार्डन जाएंगे, अभी नुगल कैफ़े जाएंगे, नुगल कैफ़े के बाद हम शायद सौरभ वन जाएँ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये सारी चीज़ें कवर करके फिर हम वापस आएंगे घर की तरफ। तो आइए चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं, पहले तो अभी हम जाएंगे टी गार्डन जाएंगे और वहाँ पर करेंगे फोटोशूट, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, उसके बाद सूरज में चलेंगे शायद। तो दो दिन यहाँ हमारे पास, तो एक दिन है या दो दिन है ना? हाँ, दो दिन है अभी फिलहाल ना, करते हैं कवर जो जो कवर हो सकता है। इस बार प्रॉब्लम क्या होगी है ना, प्रॉब्लम ये होगी कि हम आए गलत टाइम पर, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही थी, आज रुकी है तो अभी हम निकले हैं। नहीं तो दो तीन दिन से हम घर पर ही थे, हम कहीं हमारे इतने अच्छे प्लान थे कि हम कहीं कहाँ कहाँ जाएंगे। हमने ब्रोड जाना था, हमने बीबलिंग जाना था, हमने धर्मशाला भी कवर करना था, मतलब हम सोचे थे कि हर जगह घूम के आ जाते हैं। यहाँ 5-6 दिन का प्लान था हमारा, पर 3 दिन हम बारिश में पड़े रहे घर में और हम कुछ नहीं कर पाए। तो अभी हमें निकलना है परसों, हाँ परसों हम मतलब निकल जाएंगे। तो अभी फिलहाल टेंटेटिव है, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, बट हाँ देखते हैं कैसे क्या होता है। सो फ्रेंड, ये है पालमपुर की मार्केट, काफी बड़ी मार्केट है यहाँ पर और काफी कुछ मिलता है। हमने भी यहाँ पे शॉपिंग की हुई है तो अच्छा लगा था यहाँ पे शॉपिंग करके। और अब हम जा रहे हैं टी गार्डन की तरफ। वैसे तो पालमपुर को टी सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको दिखाते हैं टी गार्डन। पालमपुर बहुत ही प्यारी सिटी है, यहाँ पर काफी दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर कई ऐसी जगहें देखने लायक हैं, जैसे कि सौरभ वन हो गया, विद्यावासिनी मंदिर हो गया, लांघा, गोपालपुर, जखनी माता, तो काफी ऐसी जगहें हैं जो वहाँ पे हम घूम सकते हैं। तभी हम पहुंचे हैं लांघा, तो आपको दिखाते टी गार्डन यहाँ पर।
पालमपुर में एक जगह पड़ती है, ये है टी गार्डन, आप देख सकते हो। बहुत प्यारी जगह है ये, दूर दूर तक चाय की पत्तियां आपको दिखाई दे रही होंगी और बहुत सुंदर लग रही है देखने में। तो अभी फिलहाल लांगा आ गए हैं, पालमपुर की एक छोटी सी जगह है पालमपुर के अंदर। तो टी गार्डन तो एक्सप्लोर कर लिया, अब सोचे आगे चलते हैं क्योंकि हमारा टाइम बहुत लिमिटेड है। ऊपर से हमें बहुत चीज़ें कवर करनी थी जो कि नहीं हो पाई, तो अब सोचा कि जो जो कवर हो रहा है वो साला कवर कर ही ले। तो अभी देख सकते हो कितना अच्छा है यहाँ पे। तो अभी सोचा है अभी यहाँ से अब निकलते हैं सौरभ वन या फिर एक दो जगह और है, नुगल कैफे नहीं तो वहाँ सौरभ वन निकलेंगे। और फिर तो और क्या प्लान है तुम्हारे, कहाँ कहाँ चलना है भैया? आपको पता है कि हमें कहाँ जाना है? मुझे तो अभी यहाँ का कुछ पता नहीं है, इसे कहीं का भी नहीं पता होता, इसे यहाँ का नहीं तो कहीं का भी नहीं पता होता। बट हाँ ट्राई करते हैं, कहाँ अभी निकलते हैं, चलें फिर आगे चलते हैं। सो लेट्स गो, चलें। देख सकते हो पालमपुर का अब नज़ारा कितना प्यारा है यहाँ से। तो कहाँ लेके जा रहे हो, बीच में लेके? तो ये है नीचे, आप देख पा रहे होंगे, वेट कैमरा घुमा दो। अभी हम जा रहे हैं ब्रिज जा रहे हैं हम वहाँ पर। तो भाई बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, दिल नहीं कर रहा कि वापस दिल्ली जाएं। काफी ठंडी हवा और यहाँ पे तो मौसम का वैसे ही पता नहीं चलता, मिनटों में तो ऐसे ही होता है। आज थोड़ा सा धूप निकला था, अभी फिर से देख सकते कितने बादल छा गए यहाँ पे। सो फ्रेंड, मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ एक जरूरी मैसेज सभी के लिए, जो भी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं प्लीज सफाई का पूरा ध्यान दें। ये ब्यूटी तभी बरकरार बनी रहेगी जब आप इसको साफ सुथरा रखोगे। अपने देश को स्वच्छ रखें, अपने सिटी को स्वच्छ रखें, और जो कूड़ा है आप कूड़ेदान में डालें, बाहर ना फेंके, और ध्यान दें कि इस देश की ब्यूटी बनी रहे।